तो बहुत ही गलत बात करती है उन्होंने। अगर वो इस रिश्ते से इनकार ही करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसी शरारत तो ना रखें। आप काफी परेशान लग रहे हैं, खैरियत है? आप सब कुछ तो आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, अब आपकी परेशानी क्या हो सकती? मैं आज नाहिद की तरफ गया था। महमूद ने उमर और नेहा के रिश्ते की एक अच्छी भी शर्त रख दी। हाँ, खाली हाथ लड़की को ब्याहने की इल्तिजा की होगी या फिर नेहा के नाम पर पैसे बटोरना चाहते हो। महमूद भाई से भला और क्या उम्मीद रखी जा सकती? क्या कहा भूपा ने बाबा, क्या शर्त रखी है? वो ये कह रहा है कि नेहा और उमर के साथ साथ वो हमजा के लिए रमशा का हाथ मांगना चाहता है। क्या? और वो चाह रहा है कि दोनों की बात एक साथ ही पक्की हो जाए। क्या ये किस किस्म की घटिया शर्त रखी है महमूद भाई ने? मेरी बेटी की जिंदगी है मजाक नहीं कि उनकी शर्त की नजर हो जाए? ये तो बहुत ही गलत बात करती है उन्होंने। अगर वो इस रिश्ते से इनकार ही करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसी शरारत तो ना रखें, क्योंकि रिश्ते शर्तों पर नहीं चलते हैं। उमर, उमर, उमर ने बिल्कुल ठीक कहा। आपने उन्हें साफ साफ बता दिया है ना कि हम इस किस्म की उनकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। जिस दिन से आपने इस रिश्ते की बात की है ना, उस दिन से रोज कोई ना कोई परेशानी हमारे घर का दरवाजा खटखटाती है। बस अब, बस अब ये किस्सा खत्म कीजिए। और मेरे उमर को कोई लड़कियों की कमी है क्या जो हम उनकी चौखट पर नाक रगड़े? ये बात जानते हुए भी कि उमर नेहा को पसंद करता है, ये रिश्ता उसकी रजामंदी से हो रहा है। माना कि उमर इस वक्त गुस्से में है, लेकिन हमारा कोई भी जज्बाती फैसला उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है। मामा, मैं जानती ये सब हथकंडे हैं मेरे बेटे को काबू करने के, लेकिन इस डर से मैं अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। मामा, आप प्लीज परेशान मत, हम सब सोच समझ कर फैसला करेंगे और रमशा के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहजाद मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पर देख रहे हैं। सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ARY डिजिटल।